जिस जगह पे मैं हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बार बार मेरा दिल ही नहीं भर रहा है। ये पीछे व्यू देख। सॉल्ट के लेक के बीच में एक छोटा सा आइलैंड जो कि है गुजरात के अंदर, और जिससे सॉल्ट लेक से आप देखेंगे तो पाकिस्तान की बॉर्डर सिर्फ पड़ती है 30 किलोमीटर, और ये जो छोटा सा आइलैंड है उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है जिसकी मैं आपको शेयर कराती हूँ। ये एक लौता रास्ता है जिससे आप आइलैंड तक पहुंच सकते हैं। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, और इस रास्ते में दोनों तरफ आपको दिखेंगे सॉल्ट के लेक, और सॉल्ट के लेक में बहुत ही खूबसूरत फ्लेमिंगो जिन्हें देखते देखते आप कब धोलावीरा पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। जहाँ पहुँचते ही शुरुआत हो जाएगी एक बहुत ही कल्चरल विलेज की, जो कि गुजरात का बहुत ट्रेडिशनल विलेज है, लेकिन इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल एक नज़ारे की तरफ, तो चलिए मेरे साथ। डेट है 20th अक्टूबर, और मैं हूँ गुजरात के एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे जिसका नाम है धोलावीरा। शायद आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, लेकिन अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना है तो मैं इसके बारे में आपको धीरे धीरे बताने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, सो बी रेडी, 3, 2, 1। ये जो आपको दिख रहा है ये लेक और स्काई इकट्ठा होके एक लाइन में आ गए, और अब देखना वो ब्यूटीफुल सनसेट। जिस जगह पे मैं हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बार बार मेरा दिल ही नहीं भर रहा है। ये पीछे व्यू देखो, इतना सुंदर है ये, मुझे इतना अच्छा लग रहा है बार बार इसको देख के, और स्पेशली ये स्काई और ये जो लेक का पानी है दोनों, और वो पत्थर जिस पे मैंने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए वहाँ पे। ओ यूपी, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। वाओ, आई कांट एक्सप्लेन कि कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये। आई नो ये वीडियो लंबा हो रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि जगह है, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, पर मैं क्या करूँ। ओ देखिए, ये किसी जानवर के स्केलेटन। अभी मैं थोड़ा सा आगे जा रही हूँ, देखते क्या है उधर पे।
मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में फ्रांस में हूँ। इस रास्ते पे आगे जा रही हूँ, मेरे साथ वो गाइड है जो इस जगह पे मुझे लेकर आए। वो लोकल हैं, यहाँ पे प्रेफरेबल है कि आप लोकल्स के साथ आएँ। और कैसे आना है उसकी डिटेल्स भी मैं आपको ऑब्वियसली बता दूंगी। लेकिन आप सनसेट देखिए, मैं क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये देखिए सी और लेक और स्काई, ये देखो सनसेट, वो वैली, ये व्यू। इसी ब्यूटीफुल नज़ारे और ब्यूटीफुल सनसेट के साथ हमने इस जर्नी को एंड किया। लेकिन बिहाइंड द सीन्स के लिए वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपको ये चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये जगह को बोलते हैं